हेलो बच्चों, जय हिंद बच्चों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आपका स्वागत करता हूं आपके ही खूबसूरत से चैनल DFC में, द्रोणाचार्य फन क्लासेस में। आज बच्चों हम लोग एक कहानी सुनेंगे। एक्चुअली हम लोग कुछ पढ़ेंगे नहीं, आज हम लोग एक कहानी सुनेंगे जिस कहानी में हम लोग एक पिता और उसके बेटी के बीच का कन्वर्सेशन सुनने की कोशिश करेंगे कि क्या हो रहा है। एक लड़की आपको सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पे, जिसका नाम है पढ़ाकू सिंह। वो पढ़ती रहती है, पढ़ ही रही थी तब तक पिता उसके जा रहे हैं और पूछ रहे हैं उससे कि बेटा तुम क्या पढ़ रही हो। उस समय से देखे तुम सिर्फ लिखे जा रही हो, लिखे जा रही हो, लिखे जा रही हो। तुम इतना क्यों लिखे जा रही हो, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? वो फिर वो कहती है कि पापा मैं अपने स्कूल का होमवर्क कर रहा हूँ। पिताजी बोलते हैं कौन सा होमवर्क? तो मुझे सिविक्स का पहला चैप्टर पढ़ाया गया है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया है। हमारे टीचर जी ने हमारी हमको आके पढ़ाया सिविक्स का पहला चैप्टर, जिसका नाम है पावर शेयरिंग, और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसलिए मैं उसे बार बार लिख लिख के मैं उसे याद कर रही हूँ। बच्चों यहीं कुछ हद तक प्रॉब्लम आप लोग भी फेस करते होंगे। वेन एवर यू स्टडी सिविक्स, यू स्टडी हिस्ट्री, यू स्टडी क्या बोलते हैं उसको, SST का अदर पोर्शन आप पढ़ते होंगे, तो आपने क्या करते हैं, आप बराबर लिखते हैं कि लिखने से हमें क्या होगा, याद हो जाएगा, सही करते हैं। लेकिन हम लोग आज पावर शेयरिंग को इन दोनों के बीच के कन्वर्सेशन के रूप में, बातचीत के रूप में देखेंगे। तो पिताजी बच्ची से बोलते हैं कि देखो अब मैं तुझे पावर शेयरिंग तो नहीं बता रहा हूँ, बट मैं तुम्हें एक खूबसूरत सा कहानी सुनाने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू टेल यू अ ब्यूटिफुल स्टोरी। और चुपचाप उस कहानी को सुनो, कॉपी पेन अभी रखो, या मन करे तो कुछ पॉइंट्स उसमें लिख सकती हो, बट अभी क्या है कि आप उस कहानी को सुनो। ठीक है, तो मेरे साथ आप भी रेडी हो जाइए उस कहानी को सुनने के लिए। जो भी बच्चे हमें सुन रहे हैं, मेरे साथ आप लोग भी रेडी हो जाइए उस कहानी को सुनने के लिए। ठीक है, ओके, लेट्स बिगिन आवर स्टोरी। चलिए यहां पे हम देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं पिताजी समझाते हैं अपने बच्ची को। देखिए यहाँ पे एक, यहाँ पे अंकल तुमको दिखाई दे रहा होगा बेटी, और एक आंटी दिखाई दे रही होगी। ये आपको एक इंडियन टिपिकल इंडियन ट्रेडिशन के लुंगी और ये पहने हुए एक अपने अच्छे इंडियन ट्रेडिशन, हम टिपिकल बोले तो ऐसा मत समझना कि टिपिकल कोई अच्छे घर खराब वर्ड है। टिपिकल मतलब जो रियल में हमारे भारतीय के लोगों का जो पुराना लिबास होता था, जो हमारा वस्त्र होता था, जो हमारा अटायर होता था, उसमें पहने हुए एक अंकल और आंटी बात कर रहे होते हैं, और इनके बातों के लहजा से लग रहा है कि अंकल अपनी बातों को आंटी के ऊपर थोपने की कोशिश कर रहे हैं। इट मीन्स दैट अंकल वांट टू डोमिनेट इन द फैमिली। मतलब आम आप लोग भी देखते होंगे, आप अपने फैमिली में देखते होंगे क्या होता है आपके फैमिली में, कि आपके पापा जो हैं, पुरुष प्रधान समाज है, आपके पापा जो हैं आपके मम्मी के ऊपर अपनी बातों को थोपते होंगे। जो भी पापा कहते होंगे मम्मी मानती होगी, मम्मी के बातों को ज़्यादा पापा नहीं मानते हो, मोस्ट ऑफ द फैमिली में ये होता है। लेकिन नेक्स्ट फैमिली यहाँ पे देखो, ये एक फैमिली है यहाँ पे आप लोग दिख रहा है, दोनों आपस में बात कर रहे हैं, बहुत राय विचार से बात कर रहे हैं, और ये दोनों कुछ राय करके कुछ कंक्लूजन निकाल रहे हैं, कुछ रिजल्ट निकाल रहे हैं, वट एवर द रिजल्ट, बट ये दोनों क्या कर रहे हैं, कुछ राय कर रहे हैं। तो आपके जो बगल वाले अंकल है ये अपने पावर को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि जो लुंगी वाले अंकल है, मैं दिखाया हूँ धोती वाले जो अंकल है, ये चाह रहे हैं कि घर का मालिक मैं ही हूँ और सब काम मैं ही करूँगा, मेरे मर्जी से ही होगा। लेकिन इसके पड़ोस वाले जो दाढ़ी वाले अंकल है, ये इस पिक्स में आपको ये दिखाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ कि ये दोनों के कंसेंट से कोई भी काम हो रहा है, दोनों का राय मशवरा से कोई काम हो रहा है। जैसे आपको फ्रिज लेना है तो आपके पापा आपके घर में जैसे फ्रिज आता है, तो आपके पापा आपकी मम्मी से पूछते हैं, आप लोग से भी पूछते हैं, बेटा कौन से ब्रांड का फ्रिज लिया जाए, कौन सा लिया जाए, बड़ा लिया जाए, छोटा लिया जाए, LG लिया जाए, वोडाफोन लिया जाए, क्या क्या लिया जाए, मतलब ये सभी आपसे राय होता है। तो देखिए इसी को बोलते हैं हम लोग पावर चले। ठीक है, अगर किसी फैमिली में या किसी कंट्री में सभी सिटीजन के कंसेंट से कोई काम होता है, ठीक है ना, तो हम बोल सकते हैं कि उस फैमिली में पावर एक जगह पे कंसंट्रेटेड नहीं है। सिमिलरली अगर किसी कंट्री में जितने भी सिटीजन हैं वो सभी सिटीजन किसी भी डिसीजन में पार्टिसिपेट करते हैं, आइदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। कहोगे सर अब सभी लोग, जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 370 हटाना था, तो क्या हम लोग से पूछने आएंगे? नहीं, MP लोग से पूछेंगे, और MP
एमएलएज आवर रिप्रेजेंटेटिव, हम आम नागरिकों के, सिटीजन के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो उनसे पूछना का मतलब हमसे पूछना ही हुआ। तो इफ ऑल मेंबर्स ऑफ फैमिली एंड ऑल सिटीजन ऑफ ए कंट्री पार्टिसिपेट इन एनी डिस्कशन, देन वी से दैट डिसीजन इज बेस्ड अपॉन द कंसेंट ऑफ एवरीवन, सभी के राय से होता है और इसमें कन्फ्लिक्ट नहीं होती। मान लो कि मेरे पास 10,000 रुपीज़ है, मैं अपनी बीबी को जाके बोलता हूँ कि हमें फ्रिज लेना है, मेरे पास इतना पैसा ही है, हमारे पास कंडीशन यही, राय दो, तो कुछ राय देगी, तो जो हम फ्रिज लेकर आएंगे तो उसमें उसका कोई लोचा नहीं होगा, कोई झगड़ा नहीं करेगी। आप लोग देखते ही हैं बिना राय के अगर किसी औरत से कोई काम कीजिएगा तो फिर आप तो ये लेके आ गए, ख़राब है, ये है, वो है, लेकिन उसी का राय से आप लेके आ रहे हैं तो फिर तो उसके दिमाग में रहेगा ना, इसमें मेरा भी कंसेंट था, मेरा भी राय था, ठीक है। तो पावर शेयरिंग का मतलब देखो क्या हुआ, थोड़ी सी अब ये पूरा नहीं जानना है कि हम किस, जितने भी फैमिली आपके, जितने भी मेंबर्स आपके फैमिली में रह रहे हैं, उनका कंसेंट किसी भी डिसीजन में होना चाहिए, ठीक है। अब चलिए आगे देखिए। अब पिताजी बोलते हैं पढ़ाकू सिंह का, सुनो पढ़ाकू सिंह, मैं तुझे एक कंट्री बता रहा हूँ, मैं एक कंटिनेंट दिखा रहा हूँ, ये कंटिनेंट देखो यहाँ पे सामने तुम्हारे हैं, ये कौन सा कंटिनेंट, तो ये यूरोप है। अब पढ़ाकू सिंह देखो, इस यूरोप में एक छोटा सा, मैं कंट्री का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, छोटा सा कंट्री जिसकी जनसंख्या लगभग 1 करोड़ है, छोटा सा कंट्री, अपने हरियाणा के आसपास में होगा, उससे छोटा ही होगा, पॉपुलेशन में हरियाणा से छोटा होगा, एरिया में हरियाणा के आसपास में होगा। और ये देखो कंट्री यहाँ पे बेल्जियम, इस कंट्री के देखो नीचे फ्रांस है, बड़ा कंट्री है, इस कंट्री के राइट साइड में देखो जर्मनी है, एक बड़ा कंट्री है, इस कंट्री के ऊपर देखो टॉप में नीदरलैंड और हॉलैंड है जहाँ पे डच भाषा बोली जाती है। तो ये कंट्री तीन तरफ से दूसरे कंट्री से घिरा हुआ है, फ्रांस से, जर्मनी से और नीदरलैंड, ऊपर से नीदरलैंड, नीचे फ्रांस और राइट साइड में जर्मनी, और उसके लेफ्ट साइड में क्या है तो वो एक सी दिख रहा है, इंग्लैंड और बेल्जियम को अलग करने वाली एक सी दिख रहा है। तो ये कंट्री के देखो, ये कंट्री के बारे में हमें पढ़ना है, चलो घूमने चलते इस कंट्री में, देखते क्या क्या होता है। आर यू रेडी? पड़ाकू सिंह बोलते यस पापा आई एम रेडी, हम चलते हैं बेल्जियम में, देखते हैं कि क्या क्या, आखिर बेल्जियम में क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे लोग रहते हैं वहाँ पर, क्या कन्फ्लिक्ट हुए थे, क्या प्रॉब्लम हुई थी, कि हमारे एनसीईआरटी में बेल्जियम की कहानी दिया हुआ है। चलिए हम लोग बेल्जियम में घूमने चलते हैं, ठीक है पड़ाकू सिंह, चलो उठो चलो बेल्जियम चलते हैं। ये देखो पड़ाकू सिंह, ये तुम्हारे सामने ये बेल्जियम का मैप है। पापा ये दो टाइप के, तीन टाइप के कलर क्यों किया रे सब, रुको यार पड़ाकू सिंह, ज़्यादा हड़बड़ाओ मत, रुको यहाँ पे, कलर देखो कलर क्या बता रहा है आपको। अब देखो पड़ाकू सिंह, ये जो इथनिक कंपोजिशन देखते हैं बेल्जियम का, इथनिक मतलब कैसे कैसे लोग रहते हैं, एक अलग अलग कैसे कैसे ग्रुप के लोग रहते हैं, उनका लैंग्वेज अलग है, उनका थोड़ा सा कल्चर अलग है, तो अलग अलग कितने कितने इथनिक ग्रुप के यहाँ पे लग रहे होते हैं। छोटा कंट्री है बट कितना कॉम्प्लेक्स इथनिसिटी है इसका देखो, ठीक है। अब देखिए येलो कलर में इसका पॉपुलेशन टोटल 1 करोड़ है पूरे बेल्जियम का, और इस 1 करोड़ में प्राकु सिंह 59% फ्लेमिश रीजन में रहते हैं, फ्लेमिश रीजन जो अप में है, ऊपर में है, और कौन सी भाषा बोलते हैं, तो डच भाषा बोलते हैं। ये जो ऊपर वाला पार्ट है 59%, 60 में एक से कम, 59% इसको ऊपर वाले भाषा, ऊपर वाले पार्ट को बोला जाता है फ्लेमिश रीजन, और ये कौन सा भाषा बोलेंगे, कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं, तो दे स्पीक डच लैंग्वेज, जो नॉर्थ नीदरलैंड और हॉलैंड की लैंग्वेज है, जो ऊपर पार्ट था हम दिखाए थे मैप में, बेल्जियम के ऊपर क्या था, नीदरलैंड हॉलैंड, और नीदरलैंड हॉलैंड का पार्ट, हॉलैंड के लोग क्या बोलते थे, डच भाषा बोलते हैं। तो इसलिए ऊपर के जो लोग रहेंगे 59% जो लोग रहते हैं वो कौन सी भाषा बोल रहे हैं, डच भाषा बोल रहे हैं, और उस रीजन का नाम क्या रखा गया है, फ्लेमिश रीजन, ठीक है। अब अनदर 40% बचे, मतलब 41% बचे, तो उसमें से 40% लोग नीचे रहते हैं जो रेड वाला रीजन दिखाया गया, और उस रीजन का नाम है वलोनिया रीजन, वलोनिया रीजन, ऊपर फ्लेमिश नीचे वलोनिया, ऊपर 59% नीचे 40%, ऊपर डच नीचे फ्रेंच, ऊपर लोग बोलते हैं फ्लेमिश में 49% डच, और नीचे वलोनिया में 40% फ्रेंच बोलते हैं, और जो साइड में जो ग्रीन ग्रीन दिखाया गया है रिमेनिंग 1% वो लोग जर्मन भाषा बोलते हैं, जैसे तो हम दिखाए थे राइट साइड में क्या है, जर्मन है। तो ये तीन कंट्री से घिरा हुआ है, मेन मेन कंट्री से, और तीनों भाषा के लोग इस कंट्री में पाए जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अभी और खिचड़ी है, अभी देखते जाओ,
रट रट के पढ़ने से नहीं होगा, चुपचाप देखो यहाँ पे। तो ये देखिए, ये कैपिटल जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, जो गोला में कैपिटल ब्रसेल नाम है, उसमें देखिए कंपोजिशन क्या है। उसमें 80% फ्रेंच लोग हैं और 20% डच लोग। यानी कि देखिए, जिस रीजन में, कौन से रीजन में, फ्लेमिस में, फ्लेमिस में कौन लोग रहते हैं, डच लोग रहते हैं, और डचों की संख्या यहाँ पे कम है, 28% है। किसकी संख्या ज्यादा है? वलोनिया वाले फ्रेंच लोग की संख्या ज्यादा है, यानी कि रेड वाले की संख्या ऊपर ज्यादा हो गई, छोटे से पार्ट में रेड वाले लोग ज्यादा हो गए, ठीक है ना। ये यहाँ का इथनिक कंपोजिशन है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। ऊपर 59% डच, नीचे 40% फ्रेंच, साइड में 1% जर्मनी। आज जो कैपिटल है उसमें जिनकी संख्या पूरे देश में कम है उनकी संख्या कैपिटल में ज़्यादा है, फ्रेंच लोगों की, और जिनकी संख्या कम है उनकी कैपिटल में ज़्यादा है, जिनकी ज़्यादा है उनकी कैपिटल में कम है। ये कंप्लीट इथनिक कंपोजिशन आपको याद रखना है, ठीक है बच्चों। चलो पढ़ाकू सिंह, इतना तो याद रहेगा तुम्हें? हाँ हाँ याद रहेगा। क्या क्या याद रहेगा? तो 59% डच फ्लेमिस में रहते हैं, 40% फ्रेंच वलोनिया में रहते हैं, 1% जर्मन, एंड जो ब्रसेल है उसमें फ्रेंच की संख्या 80% है और 20% डच की संख्या। चलो ठीक है, तो पड़ागु सिंह आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो इसके कारण से क्या हुआ, उस कंट्री में कन्फ्लिक्ट होना शुरू हो गए, लड़ाई झगड़े होने शुरू हो गए। डच लोग बोलते थे नहीं, मेरी सरकार रहेगी, मेरा कहना मानेगा, हमारी संख्या ज़्यादा है, देखो यहाँ पे ये कंपोजिशन में हमारी संख्या ज़्यादा है। फ्रेंच लोग बोलते थे नहीं, हम ज़्यादा मजबूत हैं, हमारे पास पैसा है, इकोनॉमी को हम लोग कंट्रोल करते हैं, वी आर एडुकेटेड, और हम लोग ब्रसेल में कब्जा किए हुए, हमारी हमारी बात सरकार मानेगी। तो दोनों में खींचातानी होने लगा, टेंशन होने लगा। ये कब की बात है? तो ये कहानी आपको 1950 से लेकर 1960 में शुरू हुई थी। टेंशन शुरू हो गया, मार झगड़े शुरू हो गए, सिविल वार जैसा सिचुएशन होने लगा, हुआ नहीं, सिचुएशन होने लगा। समथिंग 100 कुछ लोग मारे भी गए, ऐसा नहीं है कि नहीं मारे गए, मारे भी गए हैं, कुछ लोग मारे भी गए, लेकिन उतनी हार्श कंडीशन नहीं थी, उतनी भयावह कंडीशन नहीं थी, समझे पड़ाकू सिंह, समझ सुनते रहो, ठीक है। अब देखिए क्या कारण था, द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिच एंड पावरफुल, सो दे गॉट बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एडुकेशन। अब जो लोग कम थे, माइनॉरिटी थे, डच सॉरी फ्रेंच कितने थे, 40% थे, वो रिच थे, पावरफुल थे और एडुकेशन में भी आगे थे। तो इससे क्या हो गया, अब डच के लोग है ना, जो डच स्पीकिंग लोग हैं जिनकी संख्या ज़्यादा है, वो उतने पावरफुल नहीं है, उतने रिच नहीं है, उतने डोमिनेंट नहीं है, वो है अनहैप्पी होने लगे। वो बोलने लगे नहीं, इट्स नॉट फेयर इन आवर कंट्री, वी आर इन द मोर पॉपुलर, आवर पॉपुलेशन इज मोर एंड हम लोग इकोनॉमी में अच्छे नहीं है, हम लोग रिच नहीं है, वी आर नॉट एडुकेटेड, तो हमें कुछ करना पड़ेगा, डच लोग बोलने लगे। ठीक है पड़ाकू सिंह, अच्छा डच की संख्या कितनी है, 59%, लेकिन वो क्या है, गरीब है। फ्रेंच की संख्या कितनी है, 40%, लेकिन क्या है, अमीर है और एजुकेटेड लोग हैं। तो डच लोग क्या करेंगे, अनहैप्पी फील करेंगे। अब यही अनहैप्पी क्या होगा, टेंशन में शुरू हो गया। तो वहाँ के नेताओं ने इस बात को भांप लिया, सो टेंशन अराइजेस बिटवीन द टू कम्युनिटीज एंड इट वॉज वर्स्ट इन द ब्रसेल, और ब्रसेल में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। देख रहा है यहाँ पे पड़ाकू सिंह, देखो एक लड़की यहाँ बंदूक ली है, फिर से यहाँ पे देखिए एक आर्मी है बच्चे को लिया हुआ है, फिर से यहाँ पे देखिए एक राइट, एक और फोटो में यहाँ पे लोग साइकिल है झगड़ रहे हैं। ये दिखा रहा है कि वहाँ पे, ये इमेज आपको दिखा रहे हैं कि वहाँ पर टेंशन अराइज हुआ, धीरे धीरे अराइज हुआ, लेकिन वहाँ के लोगों ने, वहाँ के सॉरी नेताओं ने इस टेंशन को तुरंत सॉल्व करने की कोशिश की। अभी तक पढ़ाकू सिंह हमने क्या पढ़ा, उसकी इथनिक कंपोजिशन, 59% डच, 40% फ्रेंच वलोनिया में, डच फ्लेमिस में, 1% जर्मन, ब्रसल में 80% फ्रेंच, 20% डच। कन्फ्लिक्ट शुरू, डच लोग गरीब, फ्रेंच लोग अमीर, फ्रेंच की संख्या कम, डच की संख्या ज़्यादा, फ्रेंच लोग हैप्पी नहीं, डच लोग हैप्पी, टेंशन विल अराइजेज। बट ये टेंशन को वहाँ के नेताओं ने टैकल कैसे किया, यहाँ पे देखो बड़ा क्वेश्चन। एकोमोडेशन इन द बेल्जियम, कब हुआ एकोमोडेशन, 1972-1993। एकोमोडेशन मतलब वहाँ पे जब ये प्रॉब्लम था, जो टेंशन था, उस टेंशन को शॉर्ट आउट करने की कोशिश की गई, अप्स एंड डाउन जो था उनको इक्वल करने की कोशिश की गई, कब, 1970 से 1993 के बीच में, ठीक है। फ्राकू सिंह
चलिए यहाँ पे ये देखिए, वहाँ का जो एक आपको गवर्नमेंट गवर्निंग बॉडी दिखा रहा है, ये क्या किया इन्होंने 1973 से 1993 के बीच में 20 साल में 4 बार अपने संविधान को, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया लो अकॉर्डिंग टू द डिमांड। इन लोग के दिमाग में क्या था कि जो भी लोग भी है, आइदर दे आर माइनॉरिटी और मेजोरिटी, सभी के रियल डिमांड को हम लोग पूरा करेंगे और सब लोग हम लोग हैप्पी हैप्पी इस देश में रहेंगे। ऐसा नहीं कि एक लोग ज़्यादा रिच हो जाएंगे, एक लोग गरीब हो जाएंगे, और वैसे नहीं चलेगा इस देश में। तो ये देखिए, दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स टू वर्क आउट एन इनोवेटिव अरेंजमेंट दैट वुड इनेबल एवरी वन टू लिव टुगेदर इन द पीस एंड हार्मनी। समझे पड़ा कुछ? उन्होंने अपने संविधान को 4 बार इसलिए चेंज किया कि ऐसा इनोवेटिव अरेंजमेंट किया जाए कि सभी लोग शांति से और भाईचारे से, हारमोनी से और पीस से रह सके वहाँ। सभी लोग बोले तो फ्लेमिश, डच लोग, फ्रेंच लोग, जर्मन लोग और थोड़े बहुत और लोग लोग हुए होंगे, उन लोग भी ये लोग अच्छे से रह पाएंगे। इस मॉडल का नाम दिया गया जो अकोमोडेशन बेल्जियम में हुआ 1970 से 1993 में। तो पड़ाकू सिंह जानते हो इस मॉडल का क्या नाम पड़ा? बोलो, बेल्जियम मॉडल ऑफ द गवर्नमेंट नाम पड़ा इसका, बेल्जियम मॉडल ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, ये देखिए, यही अकोमोडेशन जो 1793 के पीछे, यही बेल्जियम मॉडल कहलाता है। यानी कि वहाँ की सरकार ने इस टेंशन को दूर करने के लिए क्या क्या उपाय किए, उसी को बोलते हैं बेल्जियम मॉडल। देखिए, पहला क्या उपाय किया, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुआ उसमें क्या किया, डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर विल बी सेम इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। कोई भी देश होता है तो उसका एक सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, एक स्टेट गवर्नमेंट होता है, लोकल गवर्नमेंट होता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में पूरे देश के रिप्रेजेंटेटिव चुन के जाएंगे, जैसे अपने यहाँ हमारे MP लोग को हम लोग चुन के भेजते हैं, वो प्रधानमंत्री को चुनते हैं। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगा बच्चों, उसमें कह रहा है बेल्जियम के नेताओं ने ऐसा अरेंजमेंट किया कि जितने भी डच स्पीकिंग रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे, नेता रहेंगे, उतने ही फ्रेंच स्पीकिंग रिप्रेजेंटेटिव भी वहाँ पर रहेंगे, मिनिस्टर रहेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में। नंबर को उन लोगों ने क्या किया, इक्वल कर दिया। डच और फ्रेंच के दोनों के नंबर का आपको नीचे दिख रहा होगा, इक्वल कर दिया इनको। दोनों खुश, फ्रेंच वाले हैप्पी, हमारी संख्या कम है लेकिन हम रिच थे। डच वाले हैप्पी, हमारी संख्या ज़्यादा थी लेकिन हम पुअर थे, लेकिन अब दोनों रिप्रेजेंटेटिव हमारे बराबर रहेंगे, तो हमारे लिए भी काम करेंगे, उनके लिए भी काम करेंगे। बहुत हैप्पी पहले डिसीजन से। दूसरा क्या अमेंडमेंट हुआ, मेनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट गिवन टू द रीजन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। अब जो बहुत सारे पावर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास था, वो स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया गया, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट छोटे पैमाने पर होगा। और मान लो कोई स्टेट फ्लेमिश रीजन में है, तो फ्लेमिश वाले लोग डच लोगों के हिसाब से वहाँ पे कुछ काम करेगा तो वो लोग हैप्पी रहेंगे। कुछ वलोनिया में है तो वलोनिया के लोगों के हिसाब से काम करेगा, फ्रेंच लोगों के हिसाब से, वो लोग हैप्पी रहेंगे। तो मेनी पावर्स को दे दिया गया, किसके किसको, स्टेट गवर्नमेंट को। ये जस्ट कंसेप्ट कहाँ से लिया गया, अब USA से। USA में 51 स्टेट है, लेकिन एवरी स्टेट इज़ फ्री, जब चाहे फ्री हो सकता है संविधान से, देश से पावर है उनको, लेकिन वो लोग क्या है, वो रखा गया उन लोगों को साथ में, आगे हम चैप्टर में पढ़ेश करेंगे, अपने मन से वो लोग, ठीक है ना। तो स्टेट को पावर दिया गया, दूसरा, पहला डच और फ्रेंच की संख्या बराबर कर दी गई, स्टेट को ज़्यादा पावर दिया गया, ठीक है ना। अब ब्रसल में एक अलग गवर्नमेंट बनाया गया, ठीक है ना, जिसमें दोनों कम्युनिटी के लोग इक्वल होंगे, दोनों कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव इक्वल होंगे। तीसरा अकोमोडेशन किया गया, भले आप फ्रेंच की संख्या ब्रसल में ज़्यादा होगी, डच की कम थी पहले, लेकिन अब नेताओं ने क्या किया पड़ाकू सिंह, अरे बोलो पड़ाकू सिंह, इधर ध्यान दो, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अब नेताओं ने क्या किया, नेताओं ने ब्रसल में भी सेम कर दिया पॉपुलेशन रिप्रेजेंटेटिव की, सेंटर में भी सेम कर दिया और स्टेट को ज़्यादा पावर दे दिया, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या किया, एक अलग तरह का गवर्नमेंट किया, थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन लोगों ने बनाया, जिसे क्या नाम दिया, कम्युनिटी गवर्नमेंट। जैसे हम लोग क्या पंचायत और जिला होता है, उसी तरह वहाँ पे कम्युनिटी गवर्नमेंट बोल के एक थर्ड लेवल का गवर्नमेंट बनाया इन लोगों ने। और जो पर्टिकुलर कम्युनिटी के इथनिसिटी को और कल्चर के देख रेख करेगी, वहाँ पे पैसे जाएंगे, उनके कोई प्रोग्राम होगा, जैसे उनका कोई स्कूल है, डच रीजन में कोई स्कूल है तो डच भाषा के उसमें टीचर रखे जाएंगे, प्रोफेसर रखे जाएंगे, मैक्सिमम एक दो फ्रेंच भी रखे जाएंगे, अगर कुछ फ्रेंच के लोग उधर ऑफिसर्स काम करते तो उनके लिए। तो ये कम्युनिटी गवर्नमेंट का कंसेप्ट वहाँ पे लाया गया, जो बहुत ही बेटर था, बहुत ही बेटर था। देखो पड़ाकू सिंह, चार अमेंडमेंट में चार सुझाव दिया गया, डच और फ्रेंच की संख्या सेंटर में सेम होगी, स्टेट को ज़्यादा पावर दिया जाएगा, ब्रसल में भी अलग सरकार रहेगी, दोनों की संख्या सेम रहेगी, और एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाया जाएगा जो इथनिसिटी और कल्चर को देखेगी। ठीक है पड़ाकू सिंह,
इतनी बात समझ में आ गई, एकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम हो गया, यानी कि पहले हम लोगों ने बेल्जियम के प्रॉब्लम को देखा, एथनिक कंपोजिशन को देखा, बहुत कॉम्प्लेक्स थी, ज़्यादा डच लेकिन पावरफुल कम, कम फ्रेंच लेकिन पावरफुल ज़्यादा, जर्मन 1%, कन्फ्लिक्ट शुरू होना शुरू हुआ, कन्फ्लिक्ट शुरू होने के कारण वहाँ एकोमोडेशन हुआ, मॉडल एक आया और उस मॉडल के कारण, ये मॉडल क्या बताता है बड़ा क्वेश्चन, ये बहुत बेहतरीन मॉडल निकला, जानती हो वहाँ पर एकदम खुशी खुशी लोग जी रहे हैं, डेवलप करने लगा कंट्री, समझी, ये देखो यहाँ पे बेल्जियम मॉडल का इफेक्ट देखो, ऑल कम्युनिटी लिव हैप्पली विदाउट राइट विदाउट टेंशन, ब्रसेल्स इज द कैपिटल ऑफ द यूरोपियन यूनियन, और इतना यूरोप के लोग खुश हो गए, देखिए ये ब्रसेल्स का आपको एक दिखाए हैं फोटो, कितने बड़े बड़े बिल्डिंग, कितने अच्छे लोग हैं वहाँ पे, ठीक है ना, इट अवॉइड द कन्फ्लिक्ट बिटवीन डच एंड फ्रेंच कम्युनिटी टिल नाउ, अभी तक ये मॉडल चालू है, अभी तक ये मॉडल चल रहा है, एवरी वन इज अकोमोडेटेड, एवरी वन हैज राइट टू स्पीक, एवरी वन राइट टू लिव, एवरी वन राइट टू एजुकेशन, राइट टू जॉब, सभी को अपने रिलीजन अपनी भाषा सबका अपने संरक्षण का अधिकार प्राप्त है। ये देखो हैप्पीली हैप्पीली दो आंटियाँ यहाँ पे सब्जी खरीद रही हैं, एक डच हो एक फ्रेंच हो नो प्रॉब्लम, देखो यहाँ पे दो अंकल और आंटी कैफे में एक चाय पी रहे हैं कैफेटेरिया में, तो इसको देखे वो यूरोपियन यूनियन ने क्या कहा, ब्रसेल विल बी कैपिटल ऑफ द यूरोपियन यूनियन, क्यों, ये पूरे वर्ल्ड को एक संदेश दे रहा है ब्रसेल कि इतनी इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी, डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग एथनिसिटी के लोग होने के बावजूद भी, वी कैन एकोमोडेट एंड वी कैन लिव टुगेदर इन द पीस एंड हारमोनी, ये आपको बेल्जियम मॉडल बताता है, ठीक है बड़ा कुछ। अब चलो तो इस पे कुछ क्वेश्चन हम कर लेते हैं आपसे, चलो पढ़ाकू सिंह, पढ़ाकू सिंह चलो बोल, दो एक दो क्वेश्चन करेंगे, पहला क्वेश्चन देखो पढ़ाकू सिंह, व्हाट इज द लैंग्वेज स्पोकन बाय द पीपल रिजाइडिंग इन द वलोनिया रीजन ऑफ बेल्जियम, अब पढ़ाकू सिंह इसका जवाब दो, 2004 में पूछा हुआ है, पढ़ाकू सिंह बोल रही है, अच्छा पढ़ाकू सिंह तुम्हारा जवाब आ गया, पीपल रिजाइडिंग द बलोनिया रीजन स्पीक फ्रेंच, वेरी गुड पढ़ाकू सिंह, ऊपर क्या था फ्लेमिश, और फ्लेमिश में क्या लोग बोलते थे डच, नीचे फ्रेंच, नीचे फ्रेंच है भाषा, नीचे फ्रेंच है और फ्रांस भी नीचे है लेकिन फ्लेमिश रीजन ऊपर है, ठीक है पढ़ाकू सिंह तुम समझ गई, बड़ी तेज समझ गई, हाँ हाँ समझ गई है, अच्छा, कह रहे हैं पढ़ाकू सिंह हमसे कह रहे कि आप पढ़ा रहे हैं तो बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, चलो ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो पढ़ाकू सिंह, डिफाइन द टर्म इथनिक, टर्म डिफाइन करना है पढ़ाकू सिंह इथनिक को, ठीक है चलो पढ़ाकू सिंह का जवाब आ गया है आ गया है आ गया, ये पढ़ाकू सिंह का जवाब हम पढ़ते हैं बच्चों, कह रहे हैं पढ़ाकू सिंह इथनिक मीन्स अ सोशल डिविजन बेस्ड ऑन शेयर कल्चर एंड कॉमन डिसेंट, मतलब कह रही है कि ऐसा डिवीजन हो जो हमारा कल्चर शेयर्ड हो उसके आधार पे हमारा सोशल डिवीजन हो, जैसे राजपूतों का एक अलग डिवीजन हो, क्या राजपूतों का कल्चर है तो उनके जो वंशज थे वो लड़ाई करने वाले थे सेना में थे, ब्राह्मणों का एक अलग सोशल डिवीजन है, हमारे यहाँ की बात हम कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं इथनिक, अगर पूरे इंडियन को देखा गया तो पूरे इंडियन एक अलग इथनिसिटी है, और इस किससे मैच करता है बांग्लादेशी और ये पाकिस्तानी से मैच करता है, हम लोग बर्मा देश हम लोग चाइना से मैच नहीं करते हैं, पीपल बिलोंगिंग टू एन एथनिक ग्रुप नीड नॉट हैव द सेम रिलीजन और नेशनलिटी, एकदम बात सही बोला है पढ़ाकू सिंह, तुम बड़ी दिमाग वाली हो जी पढ़ाकू सिंह, तुम रट क्यों रही थी, अच्छा हमसे बोल रही कि टीचर ने हमें उतना अच्छे से बताया नहीं, अच्छा ठीक है पढ़ाकू सिंह टीचर की बुराई मत करो, आई एम ऑल्सो टीचर, तो ये कह रहे ये पढ़ाकू सिंह की पापा ये इथनिक ग्रुप जरूरी नहीं है कि सेम रिलीजन और सेम नेशनलिटी के हो, जैसे इंडियन और बांग्लादेशी है अलग अलग नेशनलिटी के, रिलीजन अलग अलग लेकिन उनका इथनिसिटी एक है क्योंकि उनके वंशज सेम थे, इंडिया में ही बांग्लादेश था, पहनावा भी लगभग सेम है, अटायर भी सेम है, भाषा भी लगभग सेम है, कुछ लोग बंगाली यहाँ बोलते हैं कुछ लोग वहाँ बोलते हैं, खाना पीना लगभग सेम है, तो ही हम लोग एक एथनिसिटी के हो गए, यानी कि ऐसा सोशल डिवीजन जिनके कॉमन डिसेंट हो और कुछ बिलोंगिंग्स कॉमन होने चाहिए, ठीक है पढ़ाकू सिंह वेरी गुड पढ़ाकू सिंह, आगे बढ़ा जाए पढ़ाकू सिंह, बेल्जियम में प्रॉब्लम हुआ सॉल्व किया नेताओं ने, तुमने क्वेश्चन ही बता दिया याद हो गया बेल्जियम, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक दूसरे कंट्री के बारे में देखिए, वेरी गुड पढ़ाकू सिंह, अब एक दूसरे कंट्री के बारे में देखते हैं इंडिया, पापा इंडिया के बारे में देखेंगे, नो नो यार पढ़ाकू सिंह इंडिया के बारे में नहीं देखना है, इंडिया के नीचे देखो क्या है गोल गोल अंडा की तरह क्या है, श्रीलंका,
अब ये एक छोटे से कंट्री के बारे में देखना है बड़ा कुछ सीन। देखो ये है श्रीलंका, और श्रीलंका के ऊपर आओगे तो इंडिया में क्या है, तमिलनाडु। और श्रीलंका को तमिलनाडु, इंडिया से श्रीलंका अलग होता है, ठीक है। वो आगे हम लोग आप पढ़ी हो पॉल की स्ट्रीट के द्वारा, एक पानी के द्वारा, एडम ब्रीज के द्वारा। तो ये श्रीलंका के बारे में बड़ा क्वेश्चन अब हमें पढ़ना है कि श्रीलंका में भी क्या ऐसा प्रॉब्लम हुआ था बेल्जियम की तरह हिस्ट्री में, और उस प्रॉब्लम का एकोमोडेशन इन लोगों ने कैसे किया, ठीक है प्रभु सिंह। ओके ओके आगे बढ़ा जाए। श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन साउथ ऑफ द इंडिया एंड हैविंग पॉपुलेशन 2 करोड़, वो भी छोटा ही है, थोड़ा सा बड़ा है पॉपुलेशन में बेल्जियम से। चलिए ये श्रीलंका दिख रहा है, ठीक है। देखिए इतनी कंपोजिशन, अब हम लोग श्रीलंका का पढ़ते हैं बच्चों, पढ़ाकू सिंह को तो हम पढ़ा ही रहे हैं, तुम लोगों भी पढ़ो, आप लोग क्या बैठोगे, आप लोग भी पढ़िए। चलो इतनी कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका, मतलब इसमें कैसे कैसे कितने ग्रुप के लोग रहते थे, ये देखिए यहाँ पे सिन्हाला स्पीकर कितने हैं, 74% है, जो वाइट वाइट आपको दिख रहा है ये पूरे सिन्हाला स्पीकर से 74% है। और तमिल स्पीकर कितने हैं, तो 18% है, ठीक है ना। और तमिल लोग मिलने का रहते हैं नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं बच्चे, नॉर्थ ईस्ट में ऊपर, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं, जो इंडिया के बगल में रहता है, इंडिया के बगल में ही तमिल लोग रहते हैं, ठीक है। अब अगेन तमिल सर डिवाइडेड हिंदू, देखिए तमिल ये 74% सिन्हाला स्पीकर, सिन्हाला एक लैंग्वेज है वहाँ का। और ये तमिल भी डिवाइड है अगेन दो पार्ट्स में, 13% श्रीलंका के तमिल है, अब 5% इंडियन तमिल है जो यहाँ से गए थे वहाँ पे प्लांटेशन वर्कर के रूप में, ठीक है ना। आज जितने भी सिन्हाला स्पीकर्स हैं, मोस्ट ऑफ सिन्हाला स्पीकर्स वो बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करते हैं, जबकि हमारे जो तमिल लोग हैं वो या तो हिंदू है या मुस्लिम है, और 7% जो बचे इसमें क्रिश्चियन है। यानी कि कुल मिलाकर एक लैंग्वेज में बोला, एक लाइन में बोला जाए 74% सिन्हाला है, 18% तमिल है, 7% क्रिश्चियन है, ये 100% हो गया। 18% तमिल में भी 13% श्रीलंकन तमिल है, 5% इंडियन तमिल है, ये भी हो गया। जो मैक्सिमम सिन्हाला पीपल है दे आर बुद्धिस्ट, यानी बुद्ध भगवान की पूजा करते हैं। जो मैक्सिमम बच्चों तमिल पीपल्स हैं, आइदर दे आर हिंदूस और दे आर मुस्लिम्स, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये अभी हमने इतनी कंपोजिशन पढ़ा है। और दूसरी बात, जितने भी तमिल लोग रहे वो मैक्सिमम किधर रहते थे, नॉर्थ ईस्ट पार्ट में रहते हैं। ये भी कॉम्प्लेक्सिटी है कि नहीं है, है ये। चलिए आगे देखते हैं। सिन्हाला इंजॉय मेजोरिटी एंड द इम्पोज इट्स विल ऑन इंटायर कंट्री। देखिए सिन्हाला लोग जो है इनकी संख्या ज़्यादा है, अब इन लोग मेजोरिटी में हैं तो नेता लोग किस पे ज़्यादा ट्रस्ट करेगा, किसकी बातों को मानता है डेमोक्रेसी में, ओनली मेजोरिटी पीपल को। अब देखो वहाँ पे बेल्जियम का कंडीशन थोड़ा अलग इसलिए था कि भले फ्रेंच की संख्या कम थी लेकिन उतनी भी कम नहीं थी, यहाँ पे इनकी संख्या बहुत कम है, 18% है तमिल की संख्या। अगर इनकी संख्या 40% भी रहती ना तो यहाँ के लीडर लोग भी इनकी बातों को मानते, लेकिन बेचारे तमिल लोग क्या करें। चलिए आगे देखते हैं। तो अभी प्रागु सिंह तुम्हें याद रखना है, 74% सिन्हालीस, 18% तमिल, 7% क्रिश्चन, ठीक है ना। फिर अगेन 18% तमिल में, 13% श्रीलंकन तमिल्स एंड 5% इंडियन तमिल, ठीक है। इंडियन तमिल्स में जो भी तमिल्स है आइदर दे आर हिंदू और मुस्लिम, और जो सिन्हाली लोग हैं दे आर बौद्धिस्ट। आगे बढ़ा जाए। चलो अब देख मेजोरिटी पॉलिसी वहाँ पे क्या, बेल्जियम में हमने प्रॉब्लम इथनिसिटी ग्रुप पढ़ा था, फिर उसके बाद उसको एकोमोडेशन पढ़ा था, यहाँ पे इन्होंने एकोमोडेशन नहीं किया है, मेजोरिटेरियन पॉलिसीज ऑफ द श्रीलंका को इम्पोज किया है बच्चों वहाँ के नेताओं ने। बेल्जियम में क्या कहता है, दे एकोमोडेट, एकोमोडेट का मतलब है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपने आप को ढाल देना, बट श्रीलंका में ऐसा नहीं किया है। यहाँ के नेताओं ने वोट लेने के लिए, वोट के चक्कर में बहुसंख्यकों की राजनीति करना शुरू कर दिया, और इस पॉलिसीज का नाम वर्ल्ड में दिया गया मेजी मेजोरिटेरियन पॉलिसीज ऑफ श्रीलंका। ये देखिए क्या है पॉलिसी वेन श्रीलंका, ये कहानी कब की है, 1948 में जब श्रीलंका हमारे देश से आज़ाद हुआ, क्योंकि आप लोग जानते हैं जब अंग्रेज लोग आए थे श्रीलंका, बर्मा, बांग्लादेश, पाकिस्तान सब हमारे देश में था। देन 1948 में जब श्रीलंका हमारे देशों से आज़ाद हुआ, अंग्रेजों से आज़ाद हुआ, तो सिन्हाला कम्युनिटी के जो लोग हैं ना, ट्राई टू डोमिनेट, टुक सम मेजोरिटियन मेजर सच एज
उन लोगों ने डोमिनेट करने की कोशिश की कि हमारा देश आज़ाद हो गया है, वी आर इन द मोर पॉपुलेशन एंड हम लोग अपनी जो रिलीजन है उसको ऊपर लेके आएंगे, अपनी लैंग्वेज को ऊपर लेके आएंगे, नेशनल लैंग्वेज बनाएंगे, हमारा देश होगा, ये जो 18% है इनका कोई वैल्यू नहीं होगा। तो इस तरह का माइंड सेट वहाँ के सिन्हाला पीपल में भर गया। कब? 1948 में। अब देखिए क्या हुआ, ये ठीक है 1956 जैसे जाता है तो एक ऐसा नियम लगाया गया वहाँ के लोगों के द्वारा, नेताओं के द्वारा, कि सिन्हाला को सिर्फ एकमात्र ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। तो वहाँ पे तमिल स्पीकिंग लोगों को कैसा लगेगा फड़ागो सिंह? खराब लगेगा, खराब लगेगा। ठीक है, जैसे मान लो तुम्हारे घर में दो बहनें हैं या दो भाई हैं, एक बहन एक भाई है, सिर्फ भाई के बाद में आ जाता तुमको कैसा लगता है फड़ागो सिंह? खराब लगता है ना? हाँ बोल रही है जी, खराब लगता है। ठीक है, तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ किसकी बातों को बना गया? सिन्हाला को नेशनल लैंग्वेज बना दिया गया। अब क्या हो गया, वहाँ के तमिल लोग अनहैप्पी हो गए। ठीक है, अब देखिए उतना तक ही ये लोग नहीं रुका, और देखिए क्या किया लोग, प्रिफ्रेंसेस गिवेन टू सिन्हाला इन एजुकेशन एंड इन गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब में और एजुकेशन में सिन्हाली पीपल को ही भरते गया लो, भरते गया लो। ऐसी पॉलिसीज लाया गया लो कि सिन्हाला लोग की संख्या एजुकेशन में ज़्यादा हो गई, गवर्नमेंट जॉब में ज़्यादा हो गई, और तमिल्स को डिसरिगार्ड करने लगा लो। ये देखिए तमिल की ज़िंदगी कैसी होगी, बहुत बदतर हो गई। ये देखिए एक मॉन्क है, बौद्धिस्ट मॉन्क है, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेट हुआ, फिक्स हुआ कि स्टेट को बुद्ध बौद्धिस्ट रिलीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए, कि अब स्टेट का रिलीजन जो होगा, आप लोग पढ़ें डेमोक्रेसी हैज़ नो रिलीजन, इन डेमोक्रेसी स्टेट हैज़ नो रिलीजन, लेकिन यहाँ पे बच्चों स्टेट में बोला गया कि नहीं, हमारे देश का एकमात्र रिलीजन होगा वो क्या होगा, वो होगा बौद्धिस्ट रिलीजन, बुद्धिज्म होगा, बुद्धिज्म होगा। अब देखिए ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब क्या होगा, तमिल लोग यहाँ पे डिसरिगार्ड फील करेंगे, अनहैप्पी होंगे, अनहैप्पी होंगे तो क्या होगा, टेंशन अराइजेज होगा दोनों कंट्री में कि भैया आप सिन्हाला को नेशनल लैंग्वेज बना रहे हैं, बुद्धिज्म को आप नेशनल रिलीजन बना रहे हैं, प्रोटेक्ट करने की बोल रहे हैं, हमारी ना लैंग्वेज का कोई देख रहा है ना हमारे रिलीजन का कोई बारे में देख रहा है, तो क्या वो लोग हैप्पी होंगे? नहीं होंगे। तो ये लोग हैप्पी नहीं होंगे। अब देखिए इसका परिणाम क्या हुआ, निकला बेल्जियम में आप पढ़े थे, उसका कंसेंसस क्या निकला, यूरोपियन यूनियन का हेड हो गया, डेवलपमेंट हो गया, सब लोग हैप्पी हैप्पी रहते हैं। यहाँ देखिए परिणाम क्या हुआ श्रीलंका में, उसका कंसिक्वेंसेस क्या हो गया। तमिल्स फील द गवर्नमेंट वॉज नॉट सेंसिटिव अबाउट तमिल लैंग्वेज एंड कल्चर। ठीक है, होगा ही होगा, तमिल को ये क्या लगने लगा कि जो भी गवर्नमेंट है सिन्हाला सपोर्टेड जो गवर्नमेंट है हमारे तमिल कल्चर को लिए उतना सेंसिटिव नहीं है, हमारे कल्चर को देख रेख नहीं कर रही। ठीक है ना, तमिल्स फेल्ट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट इन जॉब एंड एजुकेशन। हाँ ये है, आप सिन्हाली लोगों को जॉब दीजिएगा, आरक्षण दीजिएगा, तमिल को नहीं दीजिएगा, एजुकेशन में नहीं रह गया, तो तमिल को क्या अच्छा लगेगा बच्चों? नहीं अच्छा लगेगा। तो तमिल को कैसा महसूस होने लगा, डिस्क्रिमिनेशन महसूस होने लगा जॉब और एजुकेशन के रिस्पेक्ट में। ठीक है ना, तमिल्स फेल द गवर्नमेंट वाज प्रैक्टिसिंग रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, और जो रिलीजन के आधार पर उनके साथ भेदभाव होने लगा, ऐसा तमिल लोगों फेल करें। रिलेशन बिटवीन तमिल्स एंड सिन्हाला बिकेम स्ट्रेंड, बहुत ये मैंने रिलेशन जो हो गया स्ट्रेंड हो गया, तनाव वाला हो गया, एंड सिविल वार स्टार्टेड इन द कंट्री। कंट्री में क्या होता है, सिविल वार स्टार्ट होता है। सिविल वार क्या है, जब एक ही कंट्री के लोग अपने ही कंट्री के दूसरे लोगों को मारते हैं तो उसे बोलते हैं सिविल वार बोलते हैं बच्चों। मेनी पोलिटिकल पार्टीज वे फॉर्म टू फुलफिल तमिल डिमांड्स बट गवर्नमेंट इग्नोर देम। बहुत सारा पोलिटिकल पार्टी बनाया गया बच्चों कि तमिल के डिमांड को पूरा किया जाए, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्हें इग्नोर कर दिया, बोला हम आपकी बातों को नहीं मानेंगे। अब यहाँ तक इन लोगों ने बोला कि भैया हमको नॉर्थ ईस्ट में एक कंट्री दे दो छोटा सा, हम लोग उसमें जी लेंगे, गवर्नमेंट ने उन लोगों को भी नहीं मना कर दिया। तो आप बताइए जब किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा और उसकी बातों को नहीं माना जाएगा तो क्या वे लोग माइंड, उनका माइंड सेट अच्छा रहेगा? नहीं होगा, वो लोग क्राइम पे उतर आएंगे, एजिटेट करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और उसी में से बहके हुए नेताओं को टेररिस्ट बनाएंगे। यही काम सिन्हाला में होता है। सो लीडर्स स्टार्टेड डिमांडिंग न्यू कंट्री एंड मेनी टेररिस्ट ग्रुप वेयर फॉर्म्ड बाई तमिल पीपल। अब प्रभाकरन का नाम सुने होंगे, लिट्टे, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर इल्म लिट्टे, ये आप सुने होंगे। वहाँ का एक क्या बोलते हैं, जिसने हमारे राजीव गांधी जी को मारा था, तो वहाँ का एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे तमिल बंधुओं के द्वारा, तमिल भाइयों के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम देखिए, इन लोगों ने अकोमोडेट नहीं किया, प्रॉब्लम अराइज हुआ,
बेल्जियम ने अकोमोडेट किया, प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। चलिए आगे देखते हैं तो क्या हुआ इसका। सिविल वार श्रीलंका में होता है, ये देखिए सिविल वार की कुछ फोटोज आपके सामने दिख रहा है, कितना भयावह वार। ये आपको प्रभाकरण जी है जो इनके कमांडोज, मतलब ये क्या बोलते हैं, रिबेलियंस लोग हैं, और ये जो इधर राइट साइड दिखाई ये आर्मी लोग हैं। श्रीलंका में जो सिविल वार है, मोर देन 1 लाख पीपल मारे गए। ये आपको एनसीआरटी का डाटा नहीं है, हम विकिपीडिया से लिए। एंड 50,000 फाइटर्स लोग मारे गए हैं बोथ साइड से, 50 इसके 50 उसके। 27,000 एलडीटी कैडर मारे गए हैं, 28,000 श्रीलंकन आर्मी मारे गए हैं, अलावा 1,000 श्रीलंकन पुलिस मारे हैं इसमें। 1,500 इंडियन सोल्जर ऑल्सो इसमें मारे गए हैं, क्योंकि इंडिया ने भी इंटरवीन किया था, इंडिया के भी आर्मी गए थे वहाँ पे शांति समझौते के लिए। इकोनॉमिक्स ऑफ द कंट्री बिकेम वास्ट, और वहाँ का इकोनॉमिक डाउन हो गया। अभी आप लोग कुछ ही दिन पहले देखे होंगे 2022 में, 2022 में, कि श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था, वहाँ के राष्ट्रपति भवन में वहाँ के आम आदमी घुस कर और उसके गद्दी पर बैठ गए थे और फोटो खिंचा रहे थे, तो देखे होंगे श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस कैसा हुआ था। तो देखिए इनका एक रिलीजन के आधार पर चुनी गई सरकार का क्या नतीजा हुआ, और बेल्जियम एकोमोडेशन, आप लोग देखिए दोनों कंट्री के बीच में। तुमको कुछ डिफरेंस समझ में आया पड़ाकू सिंह? हाँ हाँ समझ में आया, ठीक है पड़ाकू सिंह आगे बढ़ा जाए। अरे बोलो सोचती क्या हो, आगे बढ़े, ठीक, आगे बढ़ते। चलो पड़ाकू सिंह अब आ गया टाइम, तुमको दो क्वेश्चन का आंसर देना है। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, विच लैंग्वेज वर रिकॉग्नाइज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द इन श्रीलंका, बोलो पड़ाकू सिंह। तो बहुत सिंपल है, अच्छा बोलो पड़ाकू सिंह, जवाब आ गया तुम्हारा सिन्हाला। अच्छा सही बोली जी, पकड़ ली है, याद कर इसको, याद रहता है। अरे तुम तो तेज हो पड़ाकू सिंह। कह रहे कि मैं बहुत तेज हूँ, लेकिन तुम रटने में तेज थी, अब समझो। ठीक है पढ़ाकू सिंह, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे लिए ये देखो। डिफाइन मेजोरिटेरियस, थोड़ा सा डेफिनेशन, ये प्रोनाउंसिएशन मुझे प्रॉब्लम होता है, मेजोरिटेरियरिज्म को डिफाइन करो। चलो पढ़ाकू सिंह तुम्हारे जवाब का हम वेट कर रहे हैं, और ये आ गया पढ़ाकू सिंह का जवाब। इट इज अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट विच फॉलो द पॉलिसीज टू मेक हैप्पी द मेजोरिटी कम्युनिटी डिसरिगार्डिंग द माइनॉरिटी, मैंने ऐसा गवर्नमेंट। ये देखो बच्चे पढ़ाकू सिंह क्या बोलना चाहती है, कि ऐसा गवर्नमेंट, ऐसी सरकार जो मेजोरिटी लोगों के लिए पॉलिसी बनाती है, तो उनके हैप्पी करने के लिए माइनॉरिटी को डिसरिगार्ड करके, इस तरह के पॉलिसीज को, इस तरह के गवर्नमेंट को बोलते हैं मेजोरिटरिज्म बोलते हैं, ठीक है ना, यानी बहुसंख्यक की राजनीति करना। ठीक है पढ़ाकू सिंह, वेरी इंटेलिजेंट। चलो बच्चों जो भी आप लोग सुन रहे होंगे, आप लोग भी आंसर करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अब आ जाओ देखो पड़ाकू सिंह, वाई पावर शेयरिंग इज रिक्वायर्ड, हम लोग देखना चाहते हैं। ये देखिए दो कंट्री के बीच में हम लोग को देखा ना, ये पावर शेयर नहीं किया था, अरे ये पावर शेयर किया था यार, उल्टा लिखा गया। पावर शेयरिंग इधर हुआ था, श्रीलंका ने नहीं किया था पावर शेयरिंग, बेल्जियम ने किया था, ठीक है ना। राइट साइड में जो पावर शेयरिंग क्रॉस है, एक्चुअली ये नहीं है, इधर क्रॉस इधर होना चाहिए, बेल्जियम ने किया था, श्रीलंका ने नहीं किया था। श्रीलंका बर्बाद हो गया, तबाह हो गया, इकोनॉमिक क्राइसिस हुए, लोग 1 लाख लोग मारे गए, बेल्जियम ने एकोमोडेट किया, पावर शेयरिंग किया, पावर को बांट दिया कि लो भैया तुम भी कुछ खाओ, हम भी कुछ खाएंगे, मिल बांट के खाएंगे लोग, ठीक है ना, खुश हैं। अब आ जाइए, अब पड़ाकू सिंह चलते हैं अपने दूसरे पड़ाव पे, इस कहानी के दूसरे पड़ाव पे। पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल इन द डेमोक्रेसी ड्यू टू टू रीजन, दो ऐसे कारण हैं पड़ाकू सिंह, और हमारे डियर स्टूडेंट जो भी आप लोग सुन रहे हैं, बच्चे जो भी सुन रहे हैं, पड़ाकू पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, तो दो कारण से जरूरी। टू रीजन्स आर देयर ड्यू विच पावर शेयरिंग इज रिक्वायर्ड एंड डिजायरेबल। चलिए फर्स्ट रीजन देखिए, प्रूडेंशियल रीजन। ये प्रूडेंशियल क्या है, तो लॉजिकल रीजन। लॉजिक क्या कहता है, सपोज आपके सामने एक बहुत बड़ा आदमी है, आप कमजोर है, आप बच्चे हैं, 14 ईयर्स के बच्चे हो, चाहे आप 13 ईयर्स के बच्चे हो, आपके सामने एक बहुत बड़ा आदमी है, 30 ईयर्स का, 30 साल का है, वो पहलवान है, आप किसी बात के लिए झगड़ा हो जाते हैं रोड पर, तो क्या उससे आप झगड़ा कीजिएगा, नहीं, दिमाग लगा के वहाँ पे बात विचार करके वहाँ से निकल जाइए, नहीं तो आपको इतना धोएगा इतना धोएगा। तो इसलिए एक प्रूडेंशियल रीजन क्या कहता है, लॉजिक क्या कहता है, कि ये देखिए लॉजिक एक नीचे बच्चा देख रहा है, और दूसरा है मोरल रीजन है। हमारी कुछ मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इंसान हैं, वी आर ह्यूमन बींग, तो हमारे बगल में, हमारे कंट्री में, हमारे फैमिली में, हमारे सोसाइटी में, हमारे गाँव में अगर दूसरे भी इंसान हैं, तो उनका भी कद्र करना, उनकी भी इज्जत करना, उनके बारे में भी सोचना, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी।
इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी सिटीजन, एवरी ह्यूमन इन द सोसाइटी। तो दो रीजन हमें पढ़ना है बच्चों, पावर शेयरिंग के दो रीजन, प्रूडेंशियल रीजन एंड मॉरल रीजन। लॉजिक क्या कहता है और हमारा मॉरल क्या कहता है, ठीक है। देखिए लॉजिक क्या कहता है, इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कंफ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप, ठीक है। हमारा दिमाग क्या कहता है लॉजिक की, अगर पावर शेयरिंग नहीं कीजिएगा तो झूठ मूठ का टेंशन बढ़ेगा। बीबी अपने पावर शेयरिंग नहीं करती है, हस्बैंड पावर शेयरिंग नहीं करता बीबी से, तो टेंशन बढ़ती है घर में, काट मार लगे रहेंगे, टेंशन अराइजेज होगा, चीनी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, दिस नहीं है, दैट नहीं है। सो सबसे बड़ी बात है कि हमारा लॉजिक क्या कहता है, पावर शेयरिंग कर दो भैया, सोशल टेंशन जो भी टेंशन है सोशल ग्रुप के बीच में खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। और दूसरा कारण किसी में कहता है, इम्पोजिंग द विल ऑफ द मेजोरिटी कमिटी ओवर द अदर में लुक लाइक एन अट्रैक्टिव ऑप्शन इन द शॉर्ट रन, बट इन द लॉन्ग रन इट अंडरमाइंस द यूनिटी ऑफ द नेशन। कौन है कि जो बहुसंख्यक लोग हैं, मेजोरिटी लोग हैं, उनको हैप्पी करने के लिए पॉलिसी बनाना शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा होगा, आपको वोट मिलेगा, आप सरकार में रहेंगे, सब लोग कहेंगे वाह जी वाह, वाह मोदी जी वाह, बट आफ्टर सम टाइम्स ये रन नहीं करेगा और यूनिटी ऑफ द कंट्री मे बी चेंज्ड, ठीक है ना। तो ये हमारा कहता है। देखिए मोरलिज्म क्या कहता है, पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी। हम लोग 9 क्लास में पढ़े हैं व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। तो पावर शेयरिंग बच्चों डेमोक्रेसी का स्पिरिट है, उसकी आत्मा है, इसलिए डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग किया जाता है, नहीं तो मोनार्की नहीं रहता। मोनार्की में एक राजा है जो वहीं जज है, वहीं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, वहीं सब कुछ है। तो पावर शेयरिंग करना डेमोक्रेसी का एक स्पिरिट है, इसलिए तो डेमोक्रेसी बना है, सबको अधिकार दिया जाए, 1% भी कोई लोग रहता है तो उनको भी जीने का अधिकार होना चाहिए डेमोक्रेसी में, ठीक है पड़ाकू सिंह। अ डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व्स शेयरिंग पावर्स, अ लेजिटिमेट यानी कि लीगल गवर्नमेंट इज वन वेयर द सिटीजन थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर ए स्टेक इन द सिस्टम। एक लीगल जो भी गवर्नमेंट होता है, जैसे हमारा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लीगल गवर्नमेंट होता है, मोनार्की गवर्नमेंट लीगल नहीं होता है, मसल पावर्स होता है। तो जो भी लीगल गवर्नमेंट होता है तो उसमें जो भी सिटीजन होते हैं ना, अपना पार्टिसिपेशन करते हैं, ठीक है ना, अपना हिस्से पार्टिसिपेशन करते हैं और अपना हिस्सा लेते हैं। अब ये फॉर्म ऑफ द पावर शेयरिंग कितने हैं, ये हम लोग पढ़े। पावर शेयरिंग क्यों जरूरी था, टू टाइप के पावर शेयरिंग है, क्यों जरूरी था, कन्फ्लिक्ट को बचने के लिए। अब हम पढ़ेंगे फॉर्म ऑफ द पावर शेयरिंग कितने होते थे, इसके भी दो टाइप्स हैं, एक हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग और एक वर्टिकल पावर शेयरिंग। देखो बच्चों हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग क्या होता है कि जिसमें लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी में पावर को डिवाइड कर दिया जाता है और तीनों एक दूसरे के लेवल पे होते हैं, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा होता है, ठीक है ना। ये गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेटिव जो कानून बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव जो उसको फॉलो करवाते हैं, और जुडिशरी जो उस कानून को फॉलो नहीं करने पर उन्हें सजा देते हैं। तो तीनों को बराबर पावर दे दिया जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पे चेक एंड बैलेंस की पॉलिसी होती है, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स, अलग अलग पावर है, एक कानून बनाएगा, एक लागू करवाएगा, एक उसको सजा देगा, ठीक है ना। इसमें चेक एंड बैलेंस के कंसेप्ट है जी, एक दूसरे को चेक करता रहता है, कभी कभी लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव को चेक करेगा, जैसे नेता लोग नहीं देख लेते हैं डीएम लोग काम कर रहा है अच्छा कि नहीं, ठीक है ना। कभी डीएम लोग नेता लोग को अरेस्ट कर लेते हैं, कभी जज लोग नेता लोग को नोटिस जारी कर देते हैं, एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करने की पॉलिसी है हॉरिजॉन्टल में। तो आप लोग हॉरिजॉन्टल में याद रखिएगा, तीन ग्रुप में पावर को डिवाइड किया जाता है, तीन ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट में, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी में। एंड वर्टिकल पावर शेयरिंग में आपको एक बड़ा होता है, वर्टिकल मीन्स एक बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो सबसे बड़ा जो होगा यूनियन होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, उससे छोटा स्टेट गवर्नमेंट होगा, उससे छोटा होगा लोकल गवर्नमेंट होगा, जैसे पंचायत और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट होगा। तो यहाँ पे पावर स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा, स्टेट गवर्नमेंट थोड़ा कम, और लोकल गवर्नमेंट को और कम पावर दिया जाता है, ठीक है ना। और कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा जाता है कि आपका क्या काम है, ये नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट का काम है कुछ और, सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है कुछ और ये उसमें घुस जाएगा, नहीं, अलग अलग पावर लिखा जाता है कि आपको किस में इन्वॉल्व होना है। जैसे नदी दो बॉर्डर के बीच में, जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई बॉर्डर का इशू हो रहा है, तो जो वहाँ पे स्टेट है, जैसे राजस्थान है, पंजाब है, या अपना जम्मू एंड कश्मीर है, वहाँ की सरकारें, वहाँ की गवर्नमेंट कोई भी इंटरवीन नहीं करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगा। अगर कोई लोकल मार्केट में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट कोई इंटरवीन नहीं करेगी, स्टेट गवर्नमेंट देखेगा, ठीक है ना। तो ये पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया यूनियन में, स्टेट में, लोकल में।
देखिए आप लेजिस्लेचर क्या है, द लेजिस्लेचर इज कंसर्न विद द पासिंग द लॉज कंट्रोलिंग द फिनांस ऑफ द स्टेट एंड डिलीवरिंग ऑन द मैटर ऑफ द पब्लिक इंपॉर्टेंस। लॉ को पास करता है, एग्जीक्यूटिव जो है ना ऐसा मशीनरी है जो लॉ को फॉलो करवाता है, और जुडिशरी जो है ना ठीक है ना लॉ को जो फॉलो नहीं करते उन्हें ये क्या करता है सजा देता है। ठीक है बच्चों आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ पे देखते हैं बच्चों क्या है। पहला टर्म्स कम्युनिटी गवर्नमेंट, ये बेल्जियम में हुआ था, ये हमने भूल गया बीच में। बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट का कंसेप्ट था, क्या है कम्युनिटी गवर्नमेंट ठीक है ना। द कम्युनिटी गवर्नमेंट इज एन इलेक्टेड बॉडी बाय द पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज वन कल्चर और एनी कॉमन प्रॉपर्टी नो मैटर वेयर दे लिव। मतलब कम्युनिटी गवर्नमेंट जैसे यहाँ पे एस सी एस टी के लिए एक अलग से मंत्रालय नहीं दिया जाता है, एस सी मंत्रालय एस टी मंत्रालय आपको फिर से ओ बी सी मंत्रालय ठीक है ना। ये क्या है हमारे यहाँ के कम्युनिटी गवर्नमेंट है, जो छोटे छोटे जो कॉमन ग्रुप के लोग होते हैं कम्युनिटी के लोग होते हैं।